सिंपल तरीके से बिल्कुल रेडी होके, जो बहुत लेट हो गई, मेरे घर से फोन आ गया था तो मैं बात करने में। गाइज मैं अब अपने लाला को रेडी कर देती हूँ। यहाँ पे दोनों तीनों मेरे लाला नहा लिए हैं, स्नान कर लिए हैं, और अब मैं आज में उनको, बड़े वाले को ये वाली ड्रेस और बस, और एक ये वाली ड्रेस, ये मैं तीनों को पहनाने वाली हूँ। चलो फटाफट से इनको रेडी करते हैं और फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। गाइज प्लीज़, आज है शरद पूर्णिमा और आज मेरा फास्ट भी है, तो मैं यहाँ पे आज अभी जैसे ही पूजा कर रही हूँ। सिंपल इनकी जैसे डेली रूटीन पूजा होती है बिल्कुल वैसे ही पूजा कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम को और करूँगी पूजा, शाम के टाइम का मेरा ब्लॉग अलग होगा। और आज मैं शरद पूर्णिमा में क्या भोग लगाती हूँ, भगवान को क्या बनाती हूँ, वो सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जबलपुर के हिसाब से अपना व्रत रहती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ और क्या बनाती हूँ, क्या भोग लगता है हमारे नवयुवक गोपाल के लिए मैं। तो चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे तीनों लाला एकदम रेडी। तो गाइस अब मैं करती हूँ इन तीनों लाला का श्रृंगार। तो सबसे पहले बड़े लाला को पहनाते हैं, यहाँ पे फटाफट से उनका श्रृंगार करते हैं, उनके लिए पहना दें। ये देख सकते हो इतना प्यारा लग रहा है, इतना सुंदर सा। और जल्दी जल्दी मैं तीनों लाला को रेडी करती हूँ, मेरे तीनों लड्डू गोपाल को। यहाँ पे आ गए ये, अब इनकी बारी, इनको श्रृंगार कराते हैं। कुछ गलती हो रही हो मुझसे तो आप सब मुझे बता सकते हो और मेरा ब्लॉग इंजॉय भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सब तीनों लाला को फटाफट से रेडी करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये। इसके बाद इनकी बाल, फिर ये प्यारा सा मुकुट, इसके बाद इनके भी मुकुट को लगा देते हैं। यहाँ पे सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल मेरे रेडी हो गए हैं और अब मैं करूँगी दियावती। तो यहाँ पे मेरे तीनों लड्डू गोपाल एकदम रेडी है। तो इनकी बांसुरी रखवाना है, बांसुरी रखा देती हूँ, तो बांसुरी भूल गई थी। और ये मेरे तीनों लड्डू गोपाल की बांसुरी, इनकी तो बनी नहीं, ऐसी रखा देती हूँ। अरे भैया लड्डू गोपाल काहे नाराज हो रहे हैं आज, आज हमारे जो लड्डू गोपाल नाराज हो रहे हैं, पता नहीं काहे नाराज हो रहे हैं, काहे नाराज हो रहे हैं। हाँ आप प्रॉपर ये तैयार हो चुके हैं, फटाफट से दियावती करते हैं हम। उसके बाद फिर तो यहाँ पे हो गई मेरी आरती, पूजा, दिया बत्ती सब हो गई। और अब मैं यहाँ पे मैं चलती हूँ अपना काम करने के लिए। अपना काम मतलब मुझे आज अपने वो क्या बोलते हैं उसको, शरद पूर्णिमा है ना, शरद पूर्णिमा की ये वो बनाना है, पेड़ा बनाना है, तो मैं वो बना सकती हूँ। यार मेरे पैर भी इतनी जल्दी लग जाते हैं। और देखो अभी मेरा किचन देख लो। सबसे पहले तो मैं भैया चाय बना के पीऊँगी, उसके बाद सब काम करूँगी। सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ और ये सारे बर्तनों को सेट करती हूँ कहाँ, स्टैंड में। तो गाइज ये है मेरे शरद पूर्णिमा का प्रसाद जो कि मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो ये दिख रहा होगा दो पॉलीथिन में आपको, एक में पिसी शक्कर है और एक में है नारियल का बुरादा, और दोनों चीज़ों को इसमें ये खोवे में मिक्स करना है। तो ये खोवे को थोड़ा सा मैं हीट देके और बस नॉर्मल करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एकदम पत्थर सा है, ये देख सकते हो आप इसको काट कैसे काट काट के कर रही हूँ। तो
इसको थोड़ा सा हीट दे दूंगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद ये जब मेल्ट हो जाएगा ना, तो मैं इसको इसमें शक्कर और ये पिसी शक्कर, ये देखो मेल्ट हो गया ना, मैं पिसी शक्कर और ये सब मिक्स करके पेड़ा बना लूँगी, तो ये शाम की मेरी पूजा के लिए हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये सब करके फुर्सत हुई, मैं अपने लिए चाय वाय बनाया, मैंने वो भी पिया। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। खाना बना रही हूँ सिर्फ दाल और चावल और सब्जी करेले की बना रही हूँ। आज रोटी नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से दाल लगा देती हूँ और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से बात भी करते जा रही थी। देखो एक साथ दो काम कर रही थी, एक पंथ दो काज, तो यहाँ पे से बात भी हो रही थी मेरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे खाना पीना सब लोगों ने खाया पिया, उसके बाद मैं आ गई अपने पैरों में महावर लगाने के लिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा का फास्ट था। तो मैंने सोचा कि चलो यार, पूजा करने से पहले महावर लगाना चाहिए और सभी को लगाना चाहिए जो पूजा करती हैं लेडीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट और महावर लगा के और फुर्सत। तो गाइज मैं करूँगी यहाँ पे पूजा, ये है, यहाँ पे बैठ के करूँगी पूजा। और अभी इन सब गमलों को मैंने साइड में कर दिया है, ये वाला गमला है, यहाँ पे बैठ के करूँगी पूजा, इसलिए फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले इन कपड़ों को उठा के अंदर करती हूँ, सब कपड़ों को अंदर किया जाए। जहाँ पे धुले कपड़े रखे हैं सारे कपड़े यहाँ रखते जाती हूँ। अभी लड्डू गोपाल की भी पूजा करनी है। यहाँ पे देखो बाहर लाइट की व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए मैं इसी, मेरा ये रिंग लाइट काम आएगा आज, तो ये रिंग लाइट लगा के ही मैं यहाँ पे, ऐसे देखो यहाँ पे लाइट यहाँ लगाने की व्यवस्था है लेकिन लगा नहीं हुआ है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, रिंग लाइट लगा के यहाँ पे पूजा हो जाएगी मेरी, और इसीलिए मैं यहाँ पे रिंग लाइट लगा फटाफट से तैयारी करती हूँ। फिर मिलती हूँ ब्लॉग में आगे, तो ब्लॉग में बनी रहिएगा। और आज की पूजा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो गाइज मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ, लेकिन अभी तक फेस का नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मैं थोड़ा मुँह धुल के कुछ करूँ। अभी मुँह दो बार धुल चुकी हूँ, लेकिन देखो मेरे मुँह की हालत देखो कितनी गंदी, इतना पसीना आ रहा है ना, सच में पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पे काम, हे एवरीवन, मैंने खीर बना ली है, देखो इसको खाली कर दिया है और इसमें रख दिया है खीर, बहुत अच्छी सी खीर बनाई है, अच्छी खीर बनाई है। तो अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। बहुत लेट हो गई, मेरे घर से फ़ोन आ गया था तो मैं बात करने लगी थी, और खीर तो बन गई है, मैंने थोड़ी सी खीर बनाई है क्योंकि ना ऑलरेडी पेड़ा है और मीठा मीठा बहुत हो जाएगा और खाने वाला कोई नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी खीर बनाई है हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, और थोड़ी बहुत एक आध चम्मच मैं कल खाऊंगी, आज नहीं। तो चलिए फिर पूजा की तैयारी करती हूँ, उससे पहले थोड़ी अपने फेस का नक्शा बना लेती हूँ, बहुत गंदी दिख रही हूँ मैं, तो चलो फटाफट से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं इधर पे, ये देखो, यहाँ मैं पूजा, हाँ मैं पूजा पाठ करूँगी, इधर पे पूजा पाठ करूँगी। तो गाइस चलिए फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। मैं कुछ ताम झाम नहीं करने आ रही हूँ, सिंपल तरीके से बिल्कुल रेडी होके फटाक से पूजा में बैठूंगी, क्योंकि ना बहुत लेट ऑलरेडी हो चुकी हूँ, मतलब 8 बज रहे हैं और एकदम लाइट मेकअप कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट मेकअप कर रही हूँ। जगारगी तेरी मम्मी बुला रही है। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं जल्दी से जूड़ा बनाऊँगी, सिंपल जूड़ा, कोई तामझाम वाला नहीं, मतलब कोई वैसा नहीं करना है मुझे, कोई हेयर स्टाइल नहीं, बस ऐसे सिंपल बन बनाकर फटाक से बस पूजा में बैठना है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे कर लिया सब कुछ, अब बस सिंदूर लगाना बाकी है, तो फटाफट से सिंदूर लगाया। अरे आज तो मैं बहुत भूल ही गई कि सिंदूर लगाते समय सर ढकते हैं। तो गाइज़ मैं हो गई एकदम फुल रेडी और अब मैं चलती हूँ अपना, मतलब पूजा पाठ करने के लिए मैं जा रही हूँ, अब पूजा पाठ कर लेती हूँ फटाफट से। और भाई अभी तो बस सारी तैयारी हो गई, सिर्फ पूजा करना है, तो चलिए फटाफट से पूजा करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो मैं तो ऐसे ही रेडी होती हूँ, मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, बट मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लश लगाना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले जब मैं मेकअप के बारे में नहीं जानती थी ना,
तो मुझे ये ब्लश वश कुछ समझ में नहीं आता था। सबको देखती थी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मुझे पता चला ना एक्चुअल कि ब्लश के कारण इतना प्यारा दिखता है फेस, तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब से मैं भी ब्लश लगाने लगी, भले पूरा मेकअप नहीं करती हूँ बट ब्लश जरूर यूज करती हूँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में, और यहीं पे करते हैं पूजा पाठ। यहीं पे सारी व्यवस्थाएं यहीं पे करते हैं। ये है आटा, और यहीं पे चौक वॉक बनाती हूँ मैं जल्दी से। भगवान को स्थापित करते हैं, पे हवन हवन करूँगी, और चंद्रमा भी निकल आया। देखो वो, देखो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी पूजा हो गई स्टार्ट। यहाँ पे लड्डू गोपाल रखे और चौक लगाया, कलश रखा, और ये जो पेड़ा है ना, ये पेड़ा बनाया था जो मैंने, वो क्योंकि 6 ही पेड़े बनते हैं और ये 6 पेड़े ही भोग में लगते हैं। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल विराजमान हैं, यहाँ पे भोलेनाथ हैं, और उनकी मतलब क्या बोलते हैं, शिवलिंग है, और यहाँ पे मैंने खीर भी बना रखी थी। तो अब मैं जल्दी जल्दी से पूजा पाठ करूँगी। यहाँ पे तुलसी मैया हैं, देख सकते हैं आप, और ये केला और तुलसी मैया एक साथ ही, मतलब मैंने केला बस लगाया था, केले का पौधा, तो वो तुलसी मैया भी उसमें हो गई, तो मैं उसी की पूजा एक साथ कर लेती हूँ। फिर फटाफट से सारी पूजा कंप्लीट हो गई, हवन हो गया, और आप करेंगे आरती। तो यहाँ पे हो जाती है आरती। और गाइस, अब मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे लिख दिया करिए, एंड प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करिए।